दोस्तों पूरी दुनिया के अंदर 5G की होड़ लगी हुई और भारत में भी भारत सरकार ने 5G ट्रायल के लिए स्पेक्ट्रम अलॉट कर दिया है। सारी की सारी कंपनी जियो एयरटेल वीआई यहाँ तक कि हमारी एमटीएनएल भारत की सरकारी कंपनी ये सब के सब दोस्तों अपने अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर भारत के अंदर चुनिंदा सिलेक्टेड सिटीज के अंदर अपने 5G ट्रायल्स रन कर रहे हैं। यस दोस्तों ट्रायल्स रन हो जाएंगे उसके बाद भारत सरकार की तैयारी थी कि कॉमर्शियली 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाए इस साल के अंत तक। या दोस्तों यहाँ पे 2022 की शुरुआत में आपको यहाँ पे 5G के ऑप्शन होता जहाँ पे सारी कंपनी यहाँ पे पार्टिसिपेट करती, खरीदारी होती और इसके बाद 5G लॉन्च हो जाता। ऐसी सारी चीज़ें चल रही थी लेकिन सरकारी दोस्तों जो 5G स्पेक्ट्रम की जो रिजर्व प्राइस यहाँ पे सरकार ने रखी है वो बहुत बहुत ज़्यादा है और ये चीज़ पिछले एक साल से सारी कंपनी जियो एयरटेल वीआई पहले से कह रहे थे अगर आपने इनको कम नहीं किया, इसको आधा नहीं किया, सस्ता नहीं किया तो हम यहाँ पे आएंगे जरूर आपकी नीलामी में लेकिन भाग नहीं लेंगे, खरीदेंगे कुछ भी नहीं। वैसा ही दोस्तों होता हुआ नजर आ रहा। भारत सरकार दोस्तों फिलहाल यहाँ पे स्पेक्ट्रम की जो प्राइस है उसको कम करती हुई नजर नहीं आ रही और इसको देखते हुए एयरटेल और बाकी सारी कंपनी हो सकता है ये 5G स्पेक्ट्रम की जो नीलामी हो उसको मिस कर दे, उसमें कुछ भी ना खरीदे और इसका सीधा सीधा फर्क पड़ेगा भारत में 5G लॉन्च पे। अगर स्पेक्ट्रम नहीं तो 5G लॉन्च नहीं तो क्या भारत में 5G लेट आने वाला है उसके बारे में बात करेंगे स्टूडियो में। प्लीज बने रहे स्टूडियो के साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील फ्रेंड्स। फिलहाल दोस्तों आप सभी जानते हैं भारत में 5G कब आएगा। पूरी दुनिया में तो दोस्तों सिलेक्टेड बड़े बड़े सिटीज में बड़े बड़े देशों में आ चुका है लेकिन भारत में कब आएगा कुछ भी अपडेट होती है आपका भाई आपको सबसे पहले बताता है। दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने ही आपको बताया था कि भारत सरकार विचार रही है क्योंकि यहाँ पे सारी टेलीकॉम कंपनी जियो एयरटेल वीआई जो है इन्होंने सरकार को बोल दिया था कि 5G आपको जो स्पेक्ट्रम की जो आपने यहाँ पे बेस प्राइस रखी है वो बहुत ज़्यादा है, इसको आपको सस्ता करना चाहिए क्योंकि एक तरफ टेलीकॉम कंपनीज में 1.5 लाख करोड़ का AGR का कर्ज है, फाइनेंशियल सिचुएशन खास करके वीआई की और एयरटेल की इतनी अच्छी नहीं है कि वो महंगा स्पेक्ट्रम परचेस कर सके तो आपको यहाँ पे कम करना चाहिए अदरवाइज हम नहीं आएंगे क्योंकि इतना महंगा स्पेक्ट्रम होगा हम बिल्कुल भी परचेस नहीं करेंगे 5G स्पेक्ट्रम। फ्रेंकली ये चीज इन्होंने पहले बार 10 बार अलग अलग स्टेज पे बोल दिया। उसके बाद लग रहा था कि भारत सरकार यहाँ पे हो सकता है फिर से रिकैलकुलेट करे, फिर से रीथिंक करे, सोचे कि जो 5G स्पेक्ट्रम की यहाँ पे रखी है कीमत है वो महंगी तो नहीं, इसको सस्ती करनी चाहिए। खास करके 700 MHz जो है उसको तो पिछले 2 साल से बिक ही नहीं रहा है, कितनी बार भी बोली लगती है कोई परचेस ही नहीं करता। लेकिन दोस्तों इस बार ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा लगता है कि यहाँ पे फिर से 5G की जो होगी प्राइस कम नहीं होगी, कंपनी यहाँ पे मिस करेगी और 5G डिले होगा। स्क्रीन पे दोस्तों आप देख सकते हैं इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ, टेलीकॉम रेगुलेटर अनलाइकली टू रिवाइज 5G स्पेक्ट्रम बेस प्राइस। दोस्तों टेलीकॉम रेगुलेटर जो है ट्राई और DOT यहाँ पे बिल्कुल भी प्राइस को कम करने के मूड में नजर नहीं आ रहे। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई जो है मे नॉट चेंज द एग्जिस्टिंग रिजर्व प्राइस फॉर द स्पेक्ट्रम 3300 और 3600 MHz। ये 200 प्रीमियम बैंड बोले जाते हैं 5G के लिए, 3300 और 3600 MHz इसके दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल भी इसको चेंज करने के मूड में नहीं आ रहे। कॉमर्शियल लॉन्च जो होगा दोस्तों नेक्स्ट जनरेशन 5G सर्विस का तो ये हाईली दोस्तों बात की जा रही, जो मेन बड़ा सोर्स कोई बहुत बड़े सोर्स है जिन्होंने न्यूज़ निकाली ब्रेक की AT को वो क्लियर कर देंगे। फिलहाल DOT या ट्राई दोस्तों किसी भी तरह के मूड में नहीं है कि जो अपना जो हाई एंड बैंड्स है 3300 और 3600 MHz जो 5G के लिए उसकी बेस प्राइस यहाँ पे कम कर दें। यहाँ पे प्राइस वाइज तो ठीक नहीं करने वाले, जो है वैसे चलेगा लेकिन न्यू बैंड यहाँ पे इनिशिएट करेंगे, एक न्यू बैंड यहाँ पे रख सकते हैं 5G के लिए जहाँ पे मिलीमीटर या दोस्तों मिलीमीटर वेव जो होगी उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जहाँ पे 26 GHz की रेंज यहाँ पे होगी 26 GHz की और यहाँ पे रीजनेबल प्राइस के साथ यहाँ पे इकोनॉमिक यहाँ पे बेनिफिट्स के साथ इसको दिया जाएगा। एक नया बैंड यहाँ पे 26 GHz पे दोस्तों दिया जाएगा, मिलीमीटर वेव्स दी जाएगी ऐसा कुछ बात की है लेकिन 3300 और 3600 जो था उसका रिजर्व प्राइस वो वही रहने वाला है, उसमें कुछ भी होगा नहीं। यहाँ तक कि दोस्तों सर यहाँ रेगुलेटर दोस्तों ट्राई का एक्सपेक्टेशन है कि ऑलमोस्ट 1000 MHz यहाँ पे हम बेच सकेंगे 5G का, ऐसा फिलहाल इनको लग रहा है कि हम 1000 समथिंग इतना बेच देंगे। फिलहाल दोस्तों सारी की सारी चीज़ें ऐसे चली लेकिन इसका काउंटर इफेक्ट क्या आ रहा है, इसके सामने दोस्तों क्या बात आ रही है आप देख सकते हैं यहाँ पे एयरटेल एंड अदर ऑपरेटर माइट अवॉइड 5G स्पेक्ट्रम। दोस्तों एयरटेल और बाकी ऑपरेटर खास करके वीआई की बात कर रहा हूँ, जियो तो थोड़ा बहुत परचेस कर ले लेकिन वीआई बिल्कुल भी नहीं करेगा और एयरटेल भी दोस्तों क्लियर बता रहा है कि मैं परचेस नहीं करूंगा क्योंकि महंगा है। वन ऑफ देख सकते हैं हैज बिकम द कल्चरल दैट द इंडियन टेलीकॉम स्पेस इन द हाईली स्पेक्ट्रम। दोस्तों बहुत ज्यादा स्पेक्ट्रम का हाई प्राइस है इसलिए कंपनियां यहाँ पे भाग नहीं लेगी। वोडाफोन आइडिया इन नो कैपेसिटी टू परचेस 5G स्पेक्ट्रम, वोडाफोन आइडिया की हालत अभी जानते हो, अभी तो वो रहे या जाएगा यही बड़ा फैसला है क्योंकि उसको 50,000 करोड़ चुकाना है, पैसा नहीं है, बहुत सारी चीजें उसके साथ है। तो 5G स्पेक्ट्रम तो छोड़ो, वो तो अपने 4G को ही पूरे भारत में लॉन्च कर दे, वो बड़ी चीजें
फिलहाल वोडाफोन आइडिया तो दोस्तों इसमें नहीं आएगा, लेकिन एयरटेल सुनील मित्तल जी ने भी दोस्तों ऑलरेडी 50 बार अपने स्टेज पे बोला है कि भारत सरकार को 5G की जो बेस प्राइस है इसको यहाँ पे सस्ता रखना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होता तो हम यहाँ पे किसी भी तरह का यहाँ पे 5G जो स्पेक्ट्रम है यहाँ पे परचेस नहीं करेंगे। तो दोस्तों कुछ बार इस तरह की चीज़ें निकल के आ रही है, हो सकता है सरकार यहाँ पे कुछ करे ना करे अभी लग तो नहीं रहा, क्योंकि जो ऑफिशियल सूत्र बता रहे हैं कि भारत सरकार यहाँ पे पेसर रीविजिट नहीं करने वाली और 5G स्पेक्ट्रम की जो रिजर्व प्राइस है वो कम नहीं होगी, और अगर वो कम नहीं होती तो यहाँ पे जियो एयरटेल वीआई जैसी कंपनी हो सकता है दोस्तों यहाँ पे जो 5G स्पेक्ट्रम का जो ऑक्शन होने वाला था 2022 की शुरुआत में वो फिलहाल फेल जाता हुआ नजर आ रहा है, जिससे सरकार को तो नुकसान होगा लेकिन भारत में 5G कमर्शियल लॉन्च होने में आपको और भी देरी नहीं चलेगी। जो लग रहा था कि 5G 2022 की शुरुआत में आ जाएगी, अगर ऐसा रहा तो वो आपको 2022 के अंत तक भी नजर ना आए, इसका मतलब भारत में 5G आपको डिले होता हुआ नजर आएगा। फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगा इन्फॉर्मेटिव लगा थम्स अप जोर दे देना, आपके भाई का चैनल है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के साथ, उन्हें डेफिनेट चला गया पहली बार हमारे चैनल पर, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, जो लाल कलर का बटन है इसको जोर दबा देना, इसको दबाने से हमारी छोटी सी टेक्नो नील फैमिली की VIP मेंबर बन जाएंगे, इसके पास देखिए एक घंटे का बटन उसको जोर दबा देना, उसको दबाने से जब भी मैं एक नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा सबसे पहले आपकी फोन की घंटी बजेगी, आप देख सकेंगे मेरा नया ताजा वीडियो सबसे पहले, तो प्लीज भूले बिना इस घंटे के बटन को जोर दबा देना। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।